दोस्तों हम आ गए हैं बालोद बस स्टेशन जो कि भावेश रेस्टोरेंट। यहाँ का डोसा बहुत ही फेमस है, तो आज हम यहाँ खाने वाले हैं और आपको यहाँ दिखाने वाले हैं कि डोसा कैसे बनता है और यहाँ का टेस्ट का राज क्या है। तो आप मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए। चलो लेके चलते हैं। तो आज हम आए हैं बालोद जो कि बस स्टैंड के पास, जो कि भावेश रेस्टोरेंट करके बहुत ही फेमस डोसा बनता है यहाँ, और बाकी बहुत सारे वैरायटी है। तो हम भैया बात करने वाले हैं और लाइव दिखाने वाले हैं डोसा कैसे बनता है, और साथ ही हम यहाँ डोसा भी खाएंगे। तो चलो लेके चलते हैं भैया को। तो भैया यहाँ क्या क्या वैरायटी है खाने में? डोसा मिलता है, इडली, चाय, कॉफ़ी, और जैसे पनीर वनीर खाना है। अच्छा, खाने में सभी चीज़ अवेलेबल है। और यहाँ कितने साल से आपके दुकान? दो साल से मतलब नहीं हुआ आपको ये, लेकिन भैया फेमस बहुत है डोसा। एक बार हम डोसा हमने एक बार और खा चुका है, तो आज और हम रुके हैं जो कि दिल्ली राजरा गए थे रिटर्न में डोसा खाने के लिए। तो हम देखते हैं डोसा कैसे बनता है। ये देखिए डोसा तेल लगाते हैं पानी पीने के बाद, देखते हैं डायरेक्ट हम क्या कैसे करते हैं। ये देखिए इसमें डोसा के ऊपर प्याज डला है, मिर्ची डला है, टमाटर। अब आगे देखते हैं, इसके ऊपर शायद मसाला डालने वाले हैं। ये क्या है भैया, ये कौन सा मसाला है? चाट मसाला डाले हैं भैया। अब अगर आप आए बस स्टैंड बालोद जो कि यह है जस्ट बगल में है भावेश रेस्टोरेंट करके, खाना से लेके सभी चीज़ यहाँ अवेलेबल है। अब ये देखिए डोसा का कलर चेंज होते जा रहा है। ये भैया ने मसाला डाल दिया है। अब यहाँ से डोसा को भैया फोल्ड कर रहे हैं, तो आप देखिए लगभग हमारा डोसा रेडी ही हो चुका है। ये डोसा हो गया तैयार लगभग। अब यहाँ से चलो अब हम देखते हैं। देखिए स्टैंडर्ड शेयर है इस भैया के रेस्टोरेंट में। अब देखिए ये है किचन, ये किचन का अंदर का हम दिखाते हैं। ये अंदर का फ्लोर है, ये देखिए अंदर का फ्लोर है। ये हमारे चाचा जी खा रहे हैं डोसा अकेले अकेले। तो यह देखिए हमारा डोसा रेडी हो गया है, और इसमें नारियल की चटनी, सांभर, खीरा और ऐसा एक स्पेशल खट्टा वाला चटनी दिया गया है। तो हम खाने को रेडी हैं, अब खाने वाले हैं। चलो खा लेते हैं। हम डोसा खा रहे हैं, बहुत टेस्ट है दोस्तों। अगर आप आए बालोद तो भावेश रेस्टोरेंट जरूर रुकिएगा और यहाँ जरूर खाइए। ये देखिए सांभर बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। देखिए साथ एक खीरा दिया गया है और एक चटनी दिया है। तो दोस्तों अगर आप आए तो आप ज़रूर खाइएगा। तो धन्यवाद।